नहीं शादी करनी बेटे। नीति से शादी करने को राजी हुआ संजू। परी बनी जोड़ी मेकर। कलर्स के सीरियल परिणीति में कहानी में आ गया है महा ट्विस्ट, जहां आज राजीव यानी कि संजू ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया है कि वो नीति से शादी करेगा। लेकिन ये फैसला संजू ने लिया है मजबूरी में। असल में परी चाहती है कि नीति पर कोई सवाल ना उठे, उसकी प्रेगनेंसी को लेकर उसके कैरेक्टर पर लोग सवाल ना उठाएं। इसीलिए परी ने संजू को मनाया है कि वो नीति से शादी कर ले। भाई मजबूरी में ही सही, लेकिन परी के लिए संजू नीति से शादी करने को राजी हो गया है और यही बात वो सबके सामने बता रहा है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये है कि शादी के बाद जैसे ही बच्चा होगा उसके बाद संजू नीति से डिवोर्स ले लेगा और नीति बच्चा परी और संजू को सौंप देगी। और नीति इस बात के लिए राजी भी हो गई है, लेकिन उसके काले इरादों का किसी को भी पता नहीं है। तो नीति, तुमने कहा कि तुम डिलीवरी के बाद बच्चा परी को सौंप के यहाँ से चले जाओगे, राइट? और माँ आप ही शादी से चाहते हो क्योंकि नीति के ऊपर कोई तनाव ना हो, इसका मजाक ना उड़ाए क्योंकि यहाँ के लोगों को आईवीएफ की प्रोसेस नहीं करता। तुम भाई, तुम्हें शादी इसलिए चाहती हो ताकि नीति के कैरेक्टर पर कोई नहीं होता, कोई सिबलिंग भी नहीं, माँ ना बोले। तो आप सबकी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं अभी के बन चुका और परी के बिना एक दिन नहीं आता, इसलिए परी की खुशी के लिए मैं शादी करूँ। कि शादी बच्चे के लिए हो रही है या फिर किसी को ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद नीति से प्यार करने लगा या मैं इसे परी की जगह देखूं, अगर आप दोनों के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो मुझे बता दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तो पहले वरना इस सबका कोई मतलब ही नहीं है। हो ये रहा है कि परी मान गई है, परी संजू को मना रही है कि प्लीज़ शादी कर लो, नहीं तो नीति को क्या बोलेंगे लोग, और उसकी शादी नहीं हुई है नीति की, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर तुम्हें अपना नाम देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली आईवीएफ के थ्रू बच्चा हुआ है तो है तो संजू का ही, तो इसलिए वो मना रही है क्योंकि सब ने उसके दिमाग में, स्पेशली गुरिंदर मम्मी जी और बेबे ने भर दिया है उसके दिमाग में कि ऐसा तो तेरी नीति के साथ ऐसा ऐसा होगा। सो वो मना रही है और वो मना के आई है संजू को, और वो मेरे पास आई और कह रही है कि प्लीज़ शादी कर ले संजू से। तो मैं बस नाटक करती हूँ थोड़ा सा कि नहीं मैं नहीं ऐसा चाहती, प्लीज़ तो ऐसा मत कर, मैं नहीं करूँगी शादी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उसे फ्लैशेज आते हैं पास्ट के, जब एक्चुअली नीति ने अपना बच्चा खोया था और वो डिप्रेशन में चली गई थी, सुसाइड करने वाली थी, तो वो डर जाती है और वो कहती नहीं नहीं तू शादी करेगी, तू समझ नहीं रही है। तो फिर संजू आता है और फिर बोलता है कि हाँ ठीक है मैं भी शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इस बात पर कि जैसे ही बच्चा होगा हम डाइवोर्स कर लेंगे। सो जैसे ही ये, पहले तो सुन के खुश हो जाती है नीति कि संजू बोलता है हाँ आई एम रेडी टू गेट मैरिड, और पर फिर वो उसका दिल तोड़ देता है ये बोल के कि मैं डाइवोर्स दे दूंगा जैसे ही बच्चा पैदा होगा। तो फिर मुझे बुरा लग जाता है, मुझे ऐसा हो जाता है कि अच्छा, तो पर नीति बहुत स्मार्ट है, वो कहती है एक बार शादी होने तो दे तू, उसके बाद तू देखना, नहीं छोड़ूंगी। भाई फिर एक बार परी वही गलती करने जा रही है, नीति और संजू का रिश्ता अपने हाथों से जोड़ने जा रही है। परी को नहीं पता कि नीति के इरादे क्या है, लेकिन संजू को कहीं ना कहीं नीति पर शक है। लेकिन फिर भी परी के इमोशनल अत्याचार के कारण संजू नीति से शादी करने को तैयार हुआ है। कोई बात नहीं मम्मी जी, एक बार शादी होने तो दीजिए, इस बार मैं पहले बड़ी गलती नहीं दोहराऊंगी, इस बार संजू को ऐसे बड़ी बड़ी से बांध के रखूंगी कि परी की तरफ देखना तो दूर। भाई पहले तो संजू परी से काफी नाराज हुआ, लेकिन आखिरकार उसने परी की बात मान ही ली।
उनकी नाराज़गी तो ऑब्वियसली है ही, बिकॉज़ मैं एकदम स्टूपिडेस्ट चीज़ बोल रही हूँ उनको नीति से शादी करने के लिए, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं. और मैं भी लेफ्ट राइट कुछ नहीं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में एक अलग डर बैठ गया है. जो मुझे गुरिंदर ने बोला वो मेरे दिमाग में बस चल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता. इसलिए मैं ना लेफ्ट ना राइट देख रही हूँ, मैं बस ये देख रही हूँ कि बस कैसे भी करके वो उसके साथ कुछ गलत ना हो. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही शायद इनके लाइफ में नहीं फिट हूँ, या फिर मुझे ही अलग हो जाना चाहिए. ये सब चीज़ें चल रही है, बहुत मैं खुद बहुत कश्मकश में हूँ. सो या भाई अपने हाथों से भगवान की मूर्ति घर में लाई है, हो रही है घर में पूजा, और इस पूजा में शामिल हुए हैं संजू और नीति. वैसे इसी के साथ कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्योंकि नीति और संजू की कुंडली में है गड़बड़, जिस बात से परी है काफी टेंशन में. लेकिन इस बार भी नीति परी को अपने बातों के जाल में फिर से फंसा लेती है. तो भाई अब देखना होगा कि नीति और संजू की शादी क्या वाकई में हो पाती है, और क्या कामयाब होते हैं नीति के काले इरादे, या फिर परी के सामने होगा सच का खुलासा. ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. मुंबई से कुणाल उपाध्याय और शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. इन गुब्बारों की तरह हम तो भर ही देते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. ऑफ कोर्स अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.